कल यमुनानगर के तहसील कार्यालय में चल रही मीटिंग में कुछ युवकों ने पटवारी की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई उस समय हुई जब कुछ युवकों ने तहसीलदार के कार्यालय में चल रही पटवारियों की बैठक में कुछ पटवारियों को पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने आए अभिषेक पटवारी का आरोप है कि जब उसने दरबारी लाल नाम के एक युवक को शांत रहने को कहा तो उसने कहा कि तू रुक अभी बताता हूँ और बाहर चला गया। थोड़ी देर में 8-10 युवकों के साथ आया और आते ही ऑफिस में तोड़फोड़ करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। तहसीलदार जोगिंदर शर्मा ने आरोप लगाया कि आरोपी दरबारी लाल कई दिनों से उन्हें फ़ोन और मैसेज कर रहा था। मैसेज के द्वारा कह रहा था कि तुमने मुझसे दुश्मनी ले ली है। दरअसल वह चंदे के नाम पर पैसों की मांग कर रहा था और मैंने उसे पैसे नहीं दिए। आज जब मीटिंग चल रही थी तो वह मीटिंग में आया। उसे कुछ देर बाद आने के लिए कहा गया तो वह तैश में आ गया। अभिषेक पटवारी ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह उससे उलझ पड़ा। अभिषेक पटवारी ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। थाना हुड्डा में जांच अधिकारी ज्ञान सिंह ने कहा कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर फिलहाल उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। तहसीलदार पटवारियों की बैठक ले रहे थे कि दरबारी लाल ने आकर गाली गलौज मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में फिलहाल हुड्डा थाना में मामला दर्ज हो चुका है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है पटवारी और तहसीलदार का इस पूरे मामले पर। आइए सुनाते हैं। लाल चौहान ने की और उसके साथ 8-9 बंदे थे उसके बुलाए थे। जो एक्चुअल में मामला ये था, हमारा मीटिंग थी 4 बजे, तहसीलदार साहब ने बुला रखी थी हमारी मीटिंग। वो सभी पटवारी और हम कन्नू को सभी मीटिंग में बैठे हुए थे। इनके मना करने के बाद हमारा दरवाजा भी लॉक था, खुलवा के आके बदतमीजी से बात करने लगे तहसीलदार साहब से, हमारे सभी पटवारियों से। तहसीलदार साहब ने कहा कि मीटिंग के बाद मिल लेना, कोई आपकी शिकायत हो उसका समाधान कर दिया जाएगा। वो फिर बाहर चला गया, फिर बाहर जाके फ़ोन करके गंदी गंदी गाड़ियाँ देने के अपने बंदे बुला लिए उसने, गुंडे। वो आगे अंदर फिर दोबारा से फिर आगे अंदर मेरे को साइड वाले रूम में लिए। मैं बैठा था, बात कर रहा था, उसी दौरान ऊपर मेरे ऊपर झमल गए, वो सारे मेरे साथ मार पिटाई करने लगे। तहसीलदार साहब भी आके फिर उन्होंने मेरे को घेर लिया एकदम बंदे को। वो उधर बैठे थे, मैं सोचा वैसे ही बात करनी होगी, पर उन्होंने वो दाते एकदम मेरे ऊपर हैवी हो गए सारे। तब तहसीलदार साहब भी बचाव में आया, फिर जान से मारने की धमकी दे गया मेरे को तहसीलदार साहब के साथ। उन्होंने तहसीलदार साहब को ये बोले बाहर निकलो, बाहर खड़े हैं, निकलने के लिए जान से मारेंगे। हमने रेवेन्यू से संबंधित कार्यों की समीक्षा के लिए मीटिंग बुला रखी थी जिसमें सारी पटवारी हाजिर थे और सारे सभी कानून आए हुए थे। उसके मीनवाइज जब मीटिंग चल रही थी तो उसमें एक आदमी आया, उसने बदतमीजी से बात करी मेरे से और उसने कहा जी 5 मिनट मीटिंग खत्म करो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मीटिंग के बाद आ। वो बाहर गया, बाहर बैठा रहा थोड़ी देर। उसके बाद उसने कुछ लोगों के साथ आधे घंटे बाद फिर आया। एक पटवारी ने उसको, अभिषेक पटवारी है, उसने उसको मना किया कि मीटिंग के बाद आ जाना, उसके साथ बदतमीजी करी। और फिर दूसरे रूम में उससे कहा कि आपसे बात करनी है, वहाँ ले जाके 7-8 लोगों के साथ वो आया वहाँ पर और अभिषेक पटवारी के साथ हाथापाई करी और उसको जान से मारने की धमकी दी है। मुझे भी धमकी देके गया है कि आपको बाहर निकलेंगे तो हम आपको देंगे। सर पहले भी 4-5 दिन से लगातार तहसील में आ रहा है, कभी पटवारी को आके, किसी पटवारी को जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको आके कहता है कि जी मुझे चंदा दो। उसने मेरे से भी यही बात करी कि चंदा दो। मैंने यही पूछा भी किस बात का चंदा है, तो वो वापस चला गया। 2-3 बार से आ रहा है, कभी पटवारियों को तंग करता है। आज भी मीटिंग में आके बड़ी बदतमीजी करी। जो मुझे लगा वो शायद किसी नशे के इन्फ्लुएंस में था, उसने हाथापाई करने की कोशिश की। 7-8 आदमी अपने साथ लेके आया था। धमकी अभिषेक पटवारी हल्का अधिकारी ने कंप्लेंट दी है। तहसीलदार साहब अपने कार्यालय में पटवारी की मीटिंग ले रहे थे। उनके कार्यालय में दरबारी लाल चौहान आया तो तहसीलदार साहब ने कहा मीटिंग ले रहे हैं, उसके बाद आपकी जो भी शिकायत होगी उसका समाधान कर देंगे। उसने बदतमीजी की, उसके बाद वो चला गया। बाद में फिर 5-7 आदमी लेकर के दोबारा आया। दोबारा आने के बाद उसने जो वहाँ स्टाफ बैठा था तहसीलदार पटवारी के साथ गाली गलौज की, मारपीट की, उनके कार्य में बाधा डाला। इसके अलावा जान से मारने की उनको धमकी दी। इस पर शिकायत प्राप्त हुई है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे।